तो जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे दूसरे दिन सुबह, तो देखते हैं पड़ोस की एक औरत है वो अपने कपड़े सुखा रही है। तो जो नए नए आए थे तो उन्होंने देखा कि इसकी जो कपड़े इसने धोए हैं वो साफ़ नहीं है। तो कहती है कि ऐसा लगता है कि इसको कपड़े धोने का जो साबुन है ये अच्छा यूज़ नहीं करती है। उसके हस्बैंड ने देखा पर कुछ कहा नहीं। अब दूसरे दिन सुबह फिर वो उठी औरत और फिर कहने लगी, देखो कितने गंदे कपड़े हैं, कपड़े साफ नहीं हैं, लगता है साबुन भी ठीक यूज़ नहीं करती और धोती भी ठीक से नहीं है। एक महीने बाद वो स्त्री कहती है कि देखिए आज कपड़े इसके कितने साफ हैं, लगता है इसने ठीक से कपड़े धोना सीख लिया और साबुन भी अपना बदल लिया, बहुत साफ़ हैं आज इसके कपड़े। तो कहती है किसने सिखाया है इसको ये? तो उसका हस्बैंड हंस के कहता है कि आज सुबह उठकर मैंने सबसे पहले सारे खिड़की के शीशे साफ कर दिए थे। कहते हैं कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं पर अपनी नज़रिए को ठीक नहीं करते। तो गुरु कहते हैं, दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे बस हो गया भजन। तो हम ये नहीं देखते कि हमारी नज़र में कहीं दोष है, हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये उसने ये काम ठीक नहीं किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपना भाव बदलो ना, दूसरे को हर समय क्यों क्रिटिसाइज करते हो? वॉट वी सी वेन वॉचिंग अदर्स डिपेंड्स ऑन द प्योरिटी ऑफ द विंडो थ्रू विच वी लुक। बिफोर वी गिव एनी क्रिटिसिज्म, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू चेक आर स्टेट ऑफ माइंड एंड आस्क अवर सेल्फ इफ वी आर रेडी टू सी द गुड rather than to be looking for something in the person we are about to judge। किसी को भी जज ना करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें, हमेशा सबके लिए शुद्ध भाव और भगवत भाव रखें। गुरु भगवान के शुक्राने।